जय श्री कृष्णा बच्चों, आज हम लोग कक्षा 2 में हिंदी विषय के अंदर पाठ संख्या 6 तिरंगा, पाठ संख्या 6 तिरंगा, इस पाठ में आई कविता अबलख घोड़ी का अध्ययन करेंगे। तिरंगा पाठ में आई कविता अबलख घोड़ी का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अबलख घोड़ी लाल लगाम, अबलख घोड़ी लाल लगाम, 3 लाख है इसके दाम, 3 लाख है इसके दाम, अबलख घोड़ी लाल लगाम। एक अबलख घोड़ी है, कैसी अबलख, उसकी लगाम कैसी है, लाल, और 3 लाख है इसके दाम, और इस घोड़ी के दाम कितने हैं, 3 लाख रुपए, ठीक है। आभूषण भी कई कमाल, अब घोड़ी के आभूषण भी बहुत कमाल है, घोड़ी के आभूषण भी बहुत कमाल है। छमछम नाचे सरपट चाल, छमछम नाचे सरपट चाल, कैसे नाचे घोड़ी, छमछम, और चाल कैसी है उसकी, सरपट, कैसी, सरपट, ठीक है। अबलख घोड़ी लाल लगाम, अबलख घोड़ी लाल लगाम, 3 लाख हैं इसके दाम, 3 लाख हैं इसके दाम। आभूषण भी कई कमाल, आभूषण भी कई कमाल, छमछम नाचे सरपट चाल, छमछम नाचे सरपट चाल, जैसे हुआ ठंड का अंत, जैसे हुआ ठंड का अंत, आया झटपट यहाँ बसंत, आया झटपट यहाँ बसंत, क्या कहते हैं, जैसे हुआ ठंड का, जैसे ही ठंड का अंत हुआ, जैसे ही सर्दी की ऋतु गई, आया झटपट यहाँ बसंत, यहाँ क्या आ गया, बसंत आ गया, क्या आ गया, बसंत ऋतु, ठीक है। जैसे हुआ ठंड का अंत, आया झटपट यहाँ बसंत, कौन सी ऋतु आ गई, जैसे ही सर्दी ऋतु गई तो कौन सी ऋतु आ गई, बसंत ऋतु, ठीक है। उसके ऊपर एक सवार, उसके ऊपर एक सवार, बैठे हर्षण ऐनकदार, बैठे हर्षण ऐनकदार, अब घोड़ी के ऊपर एक सवार है, घोड़ी के ऊपर एक सवार है, बैठे हर्षण मतलब हर समय, ऐनकदार, ऐनक मतलब चश्मा पहन के उसके ऊपर बैठता है, ठीक है। उसके ऊपर एक सवार, बैठे हर्षण ऐनकदार, घोड़ी के ऊपर एक सवार है जो हर समय ऐनक धारण करके बैठता है। और फटाफट चढ़ा किशोर, और फटाफट चढ़ा किशोर, साथ घूमने चारों ओर, अब उन उस सवार के साथ एक किशोर भी चढ़ गया, मतलब एक बालक भी चढ़ गया, साथ घूमने चारों ओर, उसके साथ घूमने चारों ओर, ठीक है। एक किशोर लड़का है, मतलब किशोर मतलब बालक, छोटा बालक भी उस घोड़े के सवार के साथ, घोड़ी के सवार के साथ चढ़ गया है, कहाँ, किस लिए, चारों ओर घूमने के लिए, चारों ओर घूमने के लिए। ऋषभ श्रवण है ज्ञानी मित्र, ऋषभ श्रवण है ज्ञानी मित्र, यहाँ वहाँ के लेते चित्र, यहाँ वहाँ के लेते चित्र, अब ऋषभ और श्रवण जो है ज्ञानी मित्र है, दोनों समझदार मित्र है, और वो क्या ले रहे हैं, यहाँ वहाँ के लेते चित्र, यहाँ वहाँ के लेते चित्र, यहाँ वहाँ के क्या ले रहे हैं, वो चित्र ले रहे हैं, ठीक है। वापस देखो बच्चों, अबलख घोड़ी क्या है, कविता अबलख घोड़ी, अबलख घोड़ी लाल लगाम, अबलख घोड़ी लाल लगाम, 3 लाख हैं इसके दाम, 3 लाख हैं इसके दाम, मतलब एक अबलख घोड़ी है जिसके लाल लगाम है, कैसी लगाम है, लाल लगाम, और 3 लाख उस घोड़ी के दाम हैं। आभूषण भी कई कमाल, अब घोड़ी के आभूषण भी बहुत कमाल है। छमछम नाचे सरपट चाल, कैसे नाचे वो घोड़ी, छमछम नाचे सरपट चाल, जैसे हुआ ठंड का अंत, जैसे ही सर्दी ऋतु गई ठंड का अंत हुआ,
आया झटपट यहाँ बसंत। कौन सी ऋतु आई वापस? बसंत ऋतु। ठीक है, उसके ऊपर एक सवार, उसके ऊपर एक सवार बैठे हर्षण ऐनकधार। अब घोड़ी के ऊपर एक सवार है जो हर समय ऐनक धारण करके बैठता है, मतलब चश्मा पहन के, और फटाफट चढ़ा किशोर, और एक बालक भी फटाफट चढ़ गया। साथ घूमने चारों ओर उनके, उसके साथ घूमने चारों ओर ऋषभ श्रवण है ज्ञानी मित्र। ऋषभ श्रवण है ज्ञानी मित्र, यहाँ वहाँ के लेते चित्र। ऋषभ और श्रवण जो है ज्ञानी मित्र है, और यहाँ वहाँ के वो क्या ले रहे हैं? चित्र ले रहे हैं। ठीक है, वापस देखो, अभी उसको कविता को याद भी करना है। अबलग घोड़ी लाल लगाम, 3 लाख है इसके दाम। आभूषण भी कई कमाल, छम छम नाचे सरपट चाल। जैसे हुआ ठंड का अंत, आया झटपट यहाँ बसंत। उसके ऊपर एक सवार, बैठे हर्षण ऐनकधार। और फटाफट चढ़ा किशोर, और फटाफट चढ़ा किशोर, साथ घूमने चारों ओर, साथ घूमने चारों ओर ऋषभ श्रवण है ज्ञानी मित्र। ऋषभ श्रवण है ज्ञानी मित्र, यहाँ वहाँ के लेते चित्र, यहाँ वहाँ के लेते चित्र। जय श्री कृष्णा।